सामने आ रही है। बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, बड़ी अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर जो उस वक्त सामने आ रही है भोपाल से। भोपाल गैस पीड़ित पेंशनधारियों को बड़ी राहत यहां पर मिली है, 5 महीने की एक मुश्त पेंशन मिलेगी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, राखी त्यौहार के बाद अकाउंट में जमा होंगे ये पैसे। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा कर रहा था आंदोलन, 5 महीने की एक मुश्त पेंशन जो है वो लोगों को मिलेगी। और लंबे समय से आंदोलन जो है जारी था। आपको बता दें कि पेंशनधारियों को यहां पर बड़ी राहत मिली है, भोपाल गैस पीड़ित पेंशनधारियों को बड़ी राहत, 5 महीने की एक मुश्त पेंशन जो है वो सीधे इनके खाते में आएगी, एक बार में 5 महीने की पेंशन जो है खाते में आएगी। राखी के त्यौहार को देखते हुए, रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए अकाउंट में पैसे जो है जमा किए जाएंगे। हमारे सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ लगातार बरकरार है। ब्रिजेश, जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा था, क्या कुछ मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा था, और वहीं अब 5 महीने की एक मुश्त पेंशन अकाउंट में सीधे? बिल्कुल, देखिए बीच में जनवरी से लेकर, पिछले साल की बात करें तो 2020 की जनवरी से लेकर और अप्रैल मई तक की ये पेंशन थी जो रोक दी गई थी किसी कारण से, और इस पेंशन को वापस पाने के लिए लगातार जो है वो अभियान चलाए जा रहे थे। प्रशासन की ओर से कहा यह गया था कि जिन गैस पीड़ितों के परिजनों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, दोबारा से जिनके डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वेरिफिकेशन में वो फेल करार दिए गए हैं, उनकी पेंशन रोकी गई थी। लगातार इसके खिलाफ गैस पीड़ित संगठन मांग कर रहे थे, लेकिन पेंशन शुरू नहीं की जा चुकी थी। अब गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग की पहल के बाद ये 5 महीने की जो रुकी हुई पेंशन थी वो गैस पीड़ितों को दी जाएगी। सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इन गैस पीड़ितों को पेंशन जारी की जाए, लेकिन अभी बैंकों में छुट्टियां चल रही हैं, प्रशासनिक 3 दिन की छुट्टी भोपाल में भी है, तो रक्षाबंधन के बाद ये एक जो गैस पीड़ित हैं उनके खाते में ये 5 महीने की एकमुश्त राशि आ जाएगी। जी ब्रजेश, ब्रजेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। गैस पीड़ित पेंशनधारियों को यहां पर बड़ी राहत मिली है, भोपाल गैस पीड़ित पेंशनधारियों को ये बड़ी राहत, 5 महीने की एक मुश्त पेंशन जो है सीधे खाते में आएगी, 5 महीने की एक मुश्त पेंशन जो है वो पेंशनधारियों को मिलेगी। बड़ी जानकारी है ये, रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद अकाउंट में पैसे जो हैं वो जमा कराए जाएंगे। गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा था और लंबे समय से इस बात का आंदोलन हो रहा था, लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि एक मुश्त पेंशन जो है वो खाते में आए, तो अब 5 महीने की एक मुश्त पेंशन जो है वो पेंशनधारकों के खाते में सीधे तौर पर आएगी। और राखी के त्यौहार यानी कि रक्षाबंधन के बाद एक मुश्त 5 महीने की पेंशन जो है वो अकाउंट में जमा कराई जाएगी। तो गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा था, तो आपको बता दें कि गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा था, लगातार आंदोलन जो है वो गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा की ओर से किया जा रहा था कि एक मुश्त जो पेंशन है वो उनके खाते में डाली जाए। तो वहीं अब रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद एक मुश्त पेंशन जो है वो पेंशन धारकों के अकाउंट में डाली जाएगी, पैसे जो है वो उनके खाते में जमा कराए जाएंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, 5 महीने की एक मुश्त पेंशन जो है वो सीधे खाते में आएगी। भोपाल गैस पीड़ित पेंशन धारकों के लिए ये बेहतर खबर, बड़ी खबर, उनके खाते में 5 महीने के एक मुश्त पेंशन जो है वो साथ में आएगी। पांच महीने की एक मुश्त पेंशन सीधे खाते में और रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद ये पैसे जो हैं वो जमा कराए जाएंगे खाते में। तो आपको बता दें कि गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा जो है लगातार आंदोलन कर रहा था और अब आपको बता दें कि पेंशनधारियों के लिए ये बेहतर, बड़ी खबर कि अब शिवराज सरकार ने यहां पर राहत दी है और 5 महीने की तो हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार जी। विश्वास सारंग जी, आपसे सबसे पहले जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से लंबे समय से गैस पीड़ित संघर्ष
मोर्चा जो है लगातार उनका संघर्ष चला था, लगातार वो आंदोलन कर रहे थे कि 5 महीने की एकमुश्त जो पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, सरकार संपर्क करने की कोशिश की? नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं अपने ही योजना के अंतर्गत इन कल्याणी बहनें जो हैं, जो गैस पीड़ित में जिनके पति देव की मृत्यु हो गई, उनको पेंशन देने का निर्णय लिया है। और ये हमने पहले ही शुरू की थी, कांग्रेस की सरकार ने आकर इसको बंद किया था, पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पुनः उन कल्याणी बहनों को 1,000 रुपए महीने की पेंशन की शुरुआत की है, जिनके सुहाग गैस कांड के समय उजड़ गए थे। जी बिल्कुल विश्वास जी, लेकिन वहीं लगातार जो पेंशन भोगी थे उनका भी संघर्ष जो है लंबे समय से चल रहा था, लगातार वो भी कह रहे थे कि पेंशन जो है वो मिलनी चाहिए। वहीं अब सरकार की ओर से जिस तरीके से फैसला लिया गया है, सीएम शिवराज जी की कैबिनेट की ओर से फैसला लिया गया कि एकमुश्त पेंशन जो है वो इन पेंशन धारकों को दी जाएगी, वहीं अब किस तरीके से इन लोगों का रिएक्ट है, क्या कुछ इन लोगों का कहना है सरकार से, किस तरीके से धन्यवाद कर रहे हैं अपने सरकार का? मैं निश्चित रूप से ये एक बड़ा काम हुआ है और ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम हर वर्ग के कल्याण की बात सोचते हैं और हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। निश्चित रूप से वो बहने जिनका सुहाग गैस कांड के समय जुड़ा था, उनको ये एक बड़ी राहत मिलेगी। जी लेकिन विश्वास जी, वहीं करीब 4,500 गैस पीड़ित जो है उन्हें पेंशन मिलती है और करीब पिछले 30 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी, इसकी क्या वजह रही, इतना लंबा समय क्यों लग गया? नहीं ये तो कांग्रेस की सरकार ने बंद किया था जी, हमने उसको वापस बजट में प्रावधान करके शुरू किया है। जी अगर विश्वास जी आपसे जानकारी लेना चाहें कि जिस तरीके से आपने ही जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से फैसला लिया गया था कि प्रति महीना 1,000 रुपए पेंशन के रूप में राशि जो है तय की गई थी देने के लिए, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार आई उन्होंने इस पेंशन नीति को बंद कर दिया और फिर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इस नीति को फिर से लागू किया, अब किस तरीके से पेंशन मिलेगी, क्या एकमुश्त सहायता ही मिलती रहेगी या अब अगले महीने से हर महीने 1,000 रुपए जो राशि मिलती थी वो मिला करेगी? हर महीने मिलेगी। जी जी विश्वास सारंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।